दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी ने कहा है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस विश्वविद्यालय में देश के सभी राज्यों के खिलाड़ी दाखिला ले सकते हैं। कल शाम अपने यमुनानगर निवास स्थान पर पहुंची देश की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अधिक से अधिक पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है। विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों के लिए छठी कक्षा से लेकर पीएचडी तक के पाठ्यक्रम होंगे। मोटिव होगा कि बच्चों को इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स बनाए, ओलंपियंस बनाए, वर्ल्ड चैंपियंस बनाए, वर्ल्ड लेवल के प्लेयर्स बनाए। जो हमारा नया जनरेशन बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज, कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी हम लोग क्रिएट करेंगे। दिल्ली के बच्चे तो है ही, और हिंदुस्तान में किसी कोने में अगर कोई भी टैलेंटेड बच्चा है, अगर वो स्पोर्ट्स को करियर बनाना चाहता है, तो वो फ्री माइंड होके इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय के निर्माण और पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी के लिए देश और विदेश के खेल विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे। कर्णम मल्लेश्वरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। उनकी नियुक्ति पर उनके परिजनों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि जब एक खिलाड़ी को ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। काउंसलर का जो पद है ये बड़ा जिम्मेवारी वाला पद है जो सरकार ने, दिल्ली सरकार ने दिया है, तो उसके लिए चलो शहर के लिए भी बढ़िया है, प्रदेश के लिए भी बढ़िया है। जो हिंदुस्तान का खिलाड़ी है उसके लिए मतलब बड़ा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा होगी कि भाई एक खिलाड़ी को और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो VC बनाया गया उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। उनकी स्टोरीज देखते हैं, उनका जो पिछली परफॉर्मेंस देखते हैं, उनकी वीडियोज़ देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है उनको देख के। बहुत खुशी हुई, मेरे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं।